प्रजापति एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ए पी एजुकेशन हब सो टुडे इन दिस वीडियो विल डिस्कस अबाउट दहाभारता विच इज रिटन बाय व्यास सो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं महाभारत जो कि बहुत सारे लोगों ने मुझे डिमांड किया कि हमें इसके बारे में डिस्कस करना चाहिए आई नो दिस इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज जब हम टीवी में देखते हैं महाभारत आई नो आप में से बहुत सारे लोगों ने देखी होगी बट इसमें आप लोगों के तीन टॉपिक्स हैं जो कि आपके एग्जाम्स में आएंगे द डाइसिंग इन सीक्वल टू डाइसिंग देन टेम्प्टेशन ऑफ करना एंड धृत राष्ट्र एंड गांधारी वाला जो है ये तीन आपके टॉपिक्स हैं सो so, यहाँ पर हम महाभारत के बारे में क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू दी महाभारत लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स कि कौन कौन से कैरेक्टर्स इसमें आते हैं देन सिनॉपसिस देखो आपको पढ़ना है डाइसिंग इन सीक्वल टू डाइसिंग और उसके बाद जो दो है टेम्पटेशन वाला और गांधारी वाला बट आपको इसका एक बैकग्राउंड पता होना बहुत ज़रूरी है जिन्होंने नहीं देखी है महाभारत या जिनको नहीं पता है महाभारत के बारे में उनके लिए ये सिनॉप्सिस बहुत इंपॉर्टेंट है और आने वाली वीडियोस में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी डाइसिंग एंड सीक्वल टू डाइसिंग टेम्पटेशन ऑफ करना एज वेल एज धृतराष्ट्र एंड गांधारी जृथ ये वाले तीनों टॉपिक्स हम आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट डिस्कस अबाउट द इंट्रोडक्शन टू महाभारत सो हियर इज द इंट्रोडक्शन टू महाभारत इफ वी टॉक अबाउट द टाइम पीरियड ऑफ द कंपोजिशन ऑफ दिस एपिक्स सो इसका टाइम पीरियड माना जाता है थ्री हंड्रेड बी सी ई से थ्री हंड्रेड ए डी आई होप आपको बी सी और ए डी का पता होगा देखो मैं आपको समझा देती हूँ सपोज ये है टाइम लाइन ठीक है आज हम हैं टू थाउजेंड ट्वेंटी टू में और यहाँ पर था हमारा ऑरिजिन सो so, ये जो बीच का टाइम पीरियड होता है जिसे हम मानते हैं जीरो ये होता है जीसस क्राइस्ट का बर्थ वाला ईयर इसके बाद के जो भी इवेंट्स हैं वो आते हैं ए में या फिर सीई में कॉमन एरा इससे पहले के जो इवेंट्स हैं वो आते हैं आपके बी सी बिफोर कॉमन एरा ठीक है सो so, इसका कंपोजिशन माना गया है थ्री हंड्रेड से लेकर थ्री हंड्रेड तक कि मतलब थ्री बिफोर कॉमन एरा में स्टार्ट हुआ और 300 हंड्रेड एनोडोमी तक मतलब 300 हंड्रेड ईयर्स क्राइस्ट के जन्म के बाद तक भी ये चला सो so ये इसका कम्पोजिशन का टाइम पीरियड है एंड इट इज कंसीडर्ड एज द लॉन्गेस्ट एपिक इन दी वर्ल्ड और जो महाभारत है ये वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट एपिक है अकॉर्डिंग टू नरसिम्हाज वर्जन फोर थाउजेंड लाइन्स टू मेन स्टोरी रेस्ट कंटेन एडिशनल मिथ्स एंड टीचिंग देखो जो महाभारता है वर्जन जो है वो ये कहता है कि फोर थाउजेंड लाइन्स जो है वो मेन स्टोरी से रिलेटेड है अदरवाइज इसमें एडिशनल मिथ्स स्टोरीज टीचिंग ऐड की गई हैं बिकॉज देखो आपका जो अभिजनन शकुंतला हमने पढ़ा है वो भी महाभारत में मेंशन है वो एक अलग से स्टोरी है तो वो जो है एडिशनल मिथ एडिशनल स्टोरीज इसके अंदर ऐड हो गई हैं बट इफ वी टॉक अबाउट दी ओरिजिनल मेन स्टोरी तो वो नरसिम्हा वर्जन के अकॉर्डिंग फोर थाउजेंड लाइन्स है एंड भरता वॉज ओनली एनसेस्टर्स ऑफ बोथ कौरवाज एंड पांडवा सो देखो जो भरता थे वो इनके कौरवा के भी और पांडवा के भी एनसेस्टर्स थे मतलब जो कौरव और पांडवों के बीच के ही ये फाइट है महाभारत सो so उनके एनसेस्टर कौन थे भरत फाइट ईच अदर इन ग्रेट वॉर और जो भरत के ये डिसेंडेंट्स हैं कौरवाज और पांडवाज ये एक दूसरे से फाइट करते हैं एंड देट फाइट इज नोन एज महाभारत सम टाइम्स इट इज़ ऑल्सो रेफर्ड एज द ग्रेट स्टोरी ऑफ इंडिया येस कई बार जो महाभारत है उसे ग्रेट स्टोरी ऑफ इंडिया के नाम से भी हम रेफर करते हैं एंड इट इज़ डिवाइडेड इन टू एटीन बुक्स देखो जो महाभारत है ये एटीन बुक्स में डिवाइड है एटीन डेज वॉर अमंग एटीन आर्मीज ऐसा माना जाता है बट हम ये जो वर्जन्स हमें मिलते हैं उसके अकॉर्डिंग डिविजन है बट एटीन बुक्स आपको याद रखना है एंड मेन नरेटिव ऑफ वॉर इज कंटेन्ड इन द फर्स्ट टेन बुक्स यस वेरी इंपॉर्टेंट देखो जो वॉर का नरेशन है वो आपको शुरुआत की जो टेन बुक्स है वन से लेकर जो टेन बुक्स है उसमें मिल जाता है ट्रेडिशनली ऑथरशिप इज अट्रीब्यूटेड टू व्यास यस देखो माना जाता है कि इसको सबसे पहले जिन्होंने लिखा वो थे व्यास क्योंकि महाभारत के बारे में हमने ये पढ़ा है कि महाभारत के एक ही ऑथर थे एक ही राइटर थे या बहुत सारे थे अगर आपके पास ट्वेल्थ में हिस्ट्री होगी तो आपने ये पढ़ा भी होगा इन चैप्टर थ्री ऑफ एनसीआर फर्स्ट जो बुक है इंडियन हिस्ट्री वाली एंशियंट इंडियन हिस्ट्री सॉरी उसमें यह है थर्ड चैप्टर में कि जो महाभारत है उसके एक ही ऑथर है या बहुत सारे हैं सो ट्रेडिशनली जो ऑथरशिप थी वो किसकी थी व्यास की ये क्रिएशन ओरिजिनली व्यास की थी एंड टेल इज एक्सटेंडेड फ्रॉम द शॉर्ट वर्जन ऑफ ट्वेंटी फोर थाउजेंड लाइन भारत सो देखो जो ये व्यास ने लिखी थी जब मतलब व्यास की नरेशन थी उसमें ट्वेंटी फोर थाउजेंड लाइन्स थी और उसको कहा गया था भारत विद अबाउट वन हंड्रेड था लॉन्ग प्रोज पैसे महाभारत इज रफली टेन टाइम्स टू देंथ ऑफ इलियड एंड ऑर्डेसी कंबाइंड एंड फोर टाइम्स देंथ ऑफ महाभारता सॉरी रामायण तो देखो जो महाभारत है उसमें वन हंड्रेड थाउजेंड वर्जेज हैं लॉन्ग प्रॉज पैसेजेस हैं एंड 1.8 मिलियन वर्ड्स हैं और मैंने आपको बताया इट इज द लॉन्गेस्ट टॉपिक ऑफ द वर्ल्ड और जो इलियड है वो भी हमने डिस्कस किया है अगर आपने नहीं देखे इलियड वाली वीडियो तो वो मेरे चैनल पर आप देख सकते हैं सो so, जो इलियड है और जो ओडिसी है ये भी ग्रेटेस्ट टॉपिक है सो so, इन दोनों को कंबाइन करके भी जो महाभारत है दस गुना ज्यादा है और रामायणा से भी फोर टाइम्स ज़्यादा है एंड फर्स्ट सेक्शन ऑफ महाभारत वॉज गणेशा एट द रिक्वेस्ट ऑफ व्यासा रॉट डाउन टेक्स्ट टू व्यासा डिक्टेशन यस देखो जो भारत थी मैंने आपको बताया व्यास ने लिखी थी ट्वेंटी फोर थाउजेंड लाइन्स राइट सो जो व्यास की नरेशन थी वो किसने लिखी थी गणेश ने गणेश गॉड गणेशा ने ये लिखी थी व्यास इसको डिक्टेट करते थे और गॉड गणेशा गणेशा इसको लिखते थे सो सो लॉर्ड ओनली टू राइट ऑन कंडीशन दैट व्यास व्यास नेवर इन हिज रेसिटेशन देखो ने डिक्टेट किया और लॉर्ड गणेशा ने इसको लिखा सो लॉर्ड गणेशा ने इसको लिखने के लिए कंडीशन रखी कि जो व्यास है वो अपनी रेसिटेशन में बीच में कहीं पर भी नहीं रुकेंगे जब वो इसको रिसाइट करेंगे तो बीच में वो पॉज नहीं करेंगे अटकेंगे नहीं एंड सेवरल स्टोरीज विद इन दी महाभारत ये महाभारता में बहुत सारी स्टोरीज है अभिजनन शकुंतलम इज वन ऑफ दैट विच वी है इंट्रोडक्शन टू महाभारत की महाभारत को ऑरिजिनली किसने लिखा व्यासा ने उसके बाद और भी ऑथर्स आए उन्होंने महाभारता में कुछ चेंजेस किए बिकॉज ऑरिजिनल जो स्टोरी थी व्यासा की जो क्रिएशन थी उसमें ट्वेंटी फोर थाउजेंड लाइन्स थी उसके बाद और ऑथर्स आए उन्होंने इसमें कुछ एडिशन किए ठीक है उसके बाद ये जाकर बन गई वन लैख लाइन्स का ठीक है पहले ट्वेंटी फोर थाउजेंड लाइन्स का था बट बाद में ये थ्री हंड्रेड ए डी तक आते आते इतना लॉन्ग एपिक बन गया कि इसके वन लैख समथिंग लाइन्स है सो दिस इज द ग्रेटेस्ट एपिक और इसके अंदर बहुत सारी स्टोरीज इंडल्ज है इंक्लूड है सो दिस इज द इंट्रोडक्शन नाउ विल डिस्कस अबाउट द लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ महाभारत देखो मैंने यहाँ पर जो कैरेक्टर्स मैंशन किए हैं इसमें सारे नहीं है कुछ रह गए हैं सो so, वो हम समय में भी देख लेंगे जो मेन मेन है वो मैंने यहाँ पर मैंशन किए हैं एक बार उन्हें भी देख लेते हैं सो हेयर इज द लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स फर्स्ट कैरेक्टर इज व्यास ठीक है व्यास इज द नरेटर ऑफ दिस एपिक फादर ऑफ पांडु एंड धृतराष्ट्र सो देखो जो व्यास है वो इसके नरेटर हैं महाभारत के नरेटर हैं व्यास और वो पांडु और धृतराष्ट्र के फादर हैं पांडु कौन थे पांडवास और धृत के जो बेटे थे वो किस नाम से जाने गए कौरवास और इन्हीं के बीच में होती है महाभारत की पूरी फाइट देन नेक्स्ट कैरेक्टर इज भीष्म पितामा भीष्म पितामा के बारे में आपको पता ही है देन सो अगर नहीं पता है जी ने वो समरी में समझ जाओगे ठीक है धृत राष्ट्र कौन है ब्लाइंड किंग ब्लाइंड होते हैं धृतराष्ट्र अंधे होते हैं वो क्यों अंधे होते हैं वो रीजन भी मैं अभी आपको बताऊंगी धृतराष्ट्र इज फादर ऑफ दुर्योधना एंड कौरवास धृत so, राष्ट्र के टोटल सो बेटे होते हैं दुर्योधन और नाइनटी नाइन और होते हैं जिसमें एक दुशासन भी होता है देन गांधारी गांधारी इज वाइफ ऑफ धृतराष्ट्र राष्ट्र मदर ऑफ कौरवास पांडु फादर ऑफ फाइव पांडवास जो पांडु इनके पांच बेटे होते हैं पांडवास और वो इनके बायोलॉजिकल सन्स नहीं होते हैं वो हम समरी में देखेंगे अभी देन कुंती कुंती इज वाइफ ऑफ पांडु मदर ऑफ फाइव पांडवास एंड कर्ण देखो जो कुंती हैं उनके पांच बेटे होते हैं पांच तो पांडव होते हैं देन एक उनका बेटा होता है कर्ण जो कर्ण होता है वो कुंती की शादी से पहले ही पैदा हो जाता है और जो कर्ण है वो सूर्य देव का बेटा होता है देन युधिष्ठिर लीडर ऑफ पांडवाज राइटफुल हेयर टू थ्रोन सो उसके बाद आता है युधिष्ठ जो पांडव है उनका सबसे बड़ा भाई होता है मतलब पांडु का सबसे बड़ा बेटा इज युधिष्ठ और वही जो सिंहासन है जो थ्रोन है उसका राइटफुल हकदार भी होता है देन भीम भीम इज द सेकेंड सन ऑफ पांडु स्ट्रांगेस्ट ऑफ द पांडवाज ब्रदर ठीक है बहुत स्ट्रांग होता है भीम देन अर्जुन माइटी बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर है अर्जुन जिसके सारथी बनते हैं लॉर्ड कृष्ण जब महाभारत का युद्ध होता है देन नकुल एंड सहदेव पांडुवास सो देखो जो ये नकुल एंड सहदेव होते हैं सॉरी बाय मिस्टेक आई हैव दैट कुंती इज दी मदर ऑफ फाइव पांडुवाज एक्चुअली कुंती वॉज मदर ऑफ थ्री पांडुवाज युधिष्ठ भीम एंड अर्जुन जो नकुल और सहदेव है, वो पांडु की के बेटे होते हैं और वो दोनों ट्वीं होते हैं सो so, वो मैं आपको में then, the, you know, then, दुर्योधना लीडर ऑफ कॉरवास एंड सच अफ कैरेक्टर एन दुस्था ब्रदर टू दुर्योधना ठीक है दुस्थासन जो है वो दुर्योधन का भाई होता है इट्स मीन धृत राष्ट्र और गांधारी का बेटा ऑफ विष्णु ठीक है जो कृष्ण है वो पांडवाज के सपोर्टर बनते हैं ड्यूरिंग दहाभारत वॉर और वो लॉर्ड विष्णु के अवतार हैं उन्हें आर्चरी सिखाते हैं गुरु द्रोन देन कर्ण वॉरियर सीक्रेट सन ऑफ कुंतीवास देखो जो कर्ण है वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग वॉरियर होते हैं बट नॉट मोर स्ट्रोंगर देन अर्जुन देन सीक्रेट सन ऑफ कुंती मैंने आपको बताया वो कुंती के बेटे होते हैं कुंती की शादी से पहले वो पैदा होते हैं वो सूर्य देव के बेटे होते हैं और जो कर्ण है वो पांडवास की साइड से नहीं लड़ते हैं महाभारत का वॉर और वो कौरवास की साइड से लड़ते हैं उसका भी एक रीजन है जो दुर्योधन है वो एक टाइम पर कर्ण को सपोर्ट करता है कि अच्छा कर्ण बहुत स्ट्रांग है इसको अपनी साइड ले लिया जाए तो ये सोचकर वो कर्ण को एक टाइम पर सपोर्ट करता है और इसीलिए जो कर्ण होता है वो कॉरवर्स का अलाय बन जाता है सो दीज आर दी कैरेक्टर्स इसके अलावा भी काफी सारे और कैरेक्टर्स हैं जो माइनर कैरेक्टर्स हैं वो हमें आने वाले जैसे वीडियोस हम टेम्पटेशन ऑफ करना डिस्कस करेंगे या डाइसिंग डिस्कस करेंगे उसमें कुछ माइनर कैरेक्टर्स हमें मिल सकते हैं सो नाउ विल डिस्कस अबाउट द सिनॉप्सिस एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू कि सीनापसिस को आप लोग ध्यान से समझना बिकॉज इट इज अ काइंड ऑफ बैकग्राउंड एंड अगर, अगर आपको बैकग्राउंड अच्छे से क्लियर हो गया तो आपको मेन स्टोरी जो है वो अच्छे से क्लियर होएगी और समझने में भी इंटरेस्ट आएगा सो नाउ डिस्कस अबाउट दिस सिनॉप्सिस इज इज इट वेरी इंटरेस्टिंग काइंड ऑफ एपिक बहुत इंटरेस्ट आने वाला है इसको पढ़ने में अगर ध्यान से समझोगे सो इन फर्स्ट टू बुक्स ऑफ महाभारत वी लर्न अबाउट द बैकग्राउंड ऑफ भरता और कुरु सो so देखो जो फर्स्ट टू बुक्स हैं महाभारत की उनमें हमें क्या पता लगता है जो कुरु वंश है जो कुरु डायनेस्टी है उनका बैकग्राउंड पता लगता और जो एक कुरु है अबाउट द कन्फ्लिक्ट बिटवीन दी फाइव सन ऑफ पांडू एंड देर कजन कोरवास जो ये महाभारत की फाइट है ये किसके बीच होते है बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट आता है पहले तो बट ये कॉन्फ्लिक्ट बाद में जाकर एक वॉर में तब्दील हो जाता है और किन के, के बीच होता है फाइव सन्स ऑफ पांडु एंड देर कज़न्स कौरवाज हंड्रेड कौरवास वर्सेज फाइव पांडवाज़ टोल्ड बाय दी सेज़ व्यासा बाई दीन्स कंपाइलर सो देखो इसको किसने नरेट किया है कौन है इसके ऑथर व्यास और व्यास का मतलब होता है कंपाइलर एंड व्यासाज मदर इज सत्यवती मीन्स ट्रूथ सो ही सन ऑफ ट्रुथ सो गो व्यास की मदर का नाम होता है सत्यवती जिसका मतलब होता है सच सो so बेसिकली हम कह सकते हैं कि इट इज अ क्रिएशन ऑफ द सन ऑफ ट्रुथ कि सत्यवती के बेटे की क्रिएशन है सो so जो भी वो यहाँ पर चीजें बोलते हैं वो सब सच है उसके बाद स्टोरी स्टार्ट हो रही है ठीक है शांतनु उसे शांतनु भी कह सकते हो शांतनु भी कह सकते हो सो इज द किंग ऑफ हस्तीनापुर शांतनु जो है वो हस्तीनापुर के राजा होते हैं और वो शादी करते हैं गंगा से गंगा इज अ ब्यूटिफुल वुमेन बेसिकली शी इज रिवर गॉडेस इन डिस जो गंगा रिवर है उसे हम गॉडेस की तरह पूजा करते हैं वर्शिप करते हैं गंगा की जो हिंदू रिलीजन के लोग होते हैं सो गंगा डिस्गाइज कर लेती है अपने आप को एज अ ब्यूटिफुल लेडी एंड जो शांतनु होता है हस्तीनापुर का किंग वो गंगा से शादी कर लेता है तो so, शांतनु और गंगा की हो जाती है शादी एंड गंगा मैरिड टू हिम एज लॉन्ग एज ही नेवर क्वेश्चन हर एक्शन सो गंगा शांतनु से एक शर्त पर शादी करती है कि तुम मेरे एक्शंस को कभी भी क्वेश्चन नहीं करोगे मैं जो भी करूँ तुम मुझे कभी क्वेश्चन नहीं करोगे अदरवाइज मैं तुम्हें छोड़ दूंगी सो ओवर द इयर्स दे हैड सेवन सन एंड गंगा थ्री यू डैम इन टू द रिवर सो देखो गाइस कई साल बीत जाते हैं और गंगा और शांतनु के सेवन बेटे होते हैं इस टाइम पर सो गंगा पहला होता है उसको नदी में बहा देती है दूसरा बेटा होता है उसको नदी में बहा देती है तो इस तरीके से गंगा अपने सातों बेटों को रिवर में बहा देती है शांतनु so वॉज इस चीज से बड़ा परेशान हो जाता है तो so शांतनु so बोलता है की तुम कौन हो और ऐसा क्यों कर रही हो देन गंगा रिवील्ड हर्से उसके बाद गंगा अपने आप को रिवील करती है और बताती है कि जो उसके बेटे थे वो सिलेशल बींग बट एक बार उन्हें कर्स मिल जाता है टू बी ह्यूमन की मतलब वो ह्यूमन बन जाएंगे सो so, गंगा उन्हें जो ह्यूमन विंग्स की पनिशमेंट्स होती हैं उनसे बचाना चाहती थी क्योंकि जब हम एक ह्यूमन बनते हैं तो हमें बहुत सारी चीजें फेस करनी पड़ती है सो so, गंगा अपने बच्चों को इन चीजों से दूर रखना चाहती थी सो so, जैसे ही उसके बच्चे पैदा होते वो उन्हें नदियों में बहाकर मार देती थी बट देखो सिंस शांतो ने क्वेश्चन हर एक्शन शी लेफ्ट हिम विद द लास्ट सन विद्रत सो so, जैसे ही गंगा को क्वेश्चन करता है शांतनु गंगा अपने आप को रिवील कर देती है और वो शांतनु को छोड़कर चली जाती है बिकॉज शांतनु क्वेस्ड हर एक्शंस सो उसके बाद वो छोड़ जाती है शांतनु को और साथ साथ जो लास्ट बच्चा होता है देवरत उसे भी वो यहाँ पर छोड़ जाती है सो so, ये जो देवरत होता है ये बाद में जाकर बनता है भीष्म जिसे हम भीष्म पितामह भी कहते हैं सो so भीष्म ये बनता है बाद में एंड ही ही दिस नेम आफ्टर नेवर टू मैरी और हैव चिल्ड्रन सो देखो इसको भीष्म नाम क्यों मिलता है बिकॉज ये कस्म खाता है कि डिसाइड करता है कि ये कभी भी शादी नहीं करेगा और ना ही इसके कभी बच्चे होंगे सो so जो अब शांतनु है वो तो किंग है हस्तीनापुर का उसे अपने डिसेंडेंट्स तो चाहिए ही सो हिज फादर वॉन्टेड टू मैरी अगेन सो भीष्म के जो फादर हैं अब उन्हें दोबारा शादी करने की जरूरत है एंड ही मैरिड सत्यावती मदर ऑफ व्यास ऑन कंडीशंस सो अब शादी तो करनी पड़ेगी शांतनु को बिकॉज ही इज अंग और उसके ऊपर पूरे हस्तीनापुर की जिम्मेदारी है तो आने वाले टाइम में हस्तीनापुर को कौन संभालेगा सो so, इसीलिए ये सोचकर शांतनु को करनी पड़ती है शादी और वो किस से शादी करते हैं सत्यावती से सत्यावती व्यास की मदर होती हैं व्यास इज दी ऑथर ऑफ दिस एपिक सो so, सत्यवती से वो शादी करते हैं लेकिन सत्यवती की कंडीशन होती है दैट शी वुड बी दी मदर ऑफ दी किंग समे बेसिकली सत्यवती का यहाँ पर कहने का मतलब क्या हुआ कि जो मेरे बच्चे होंगे वही किंग बनेंगे ये नहीं कि जो भीष्म है वो किंग बन जाए यही कहने का मतलब वो सत्यवती का क्योंकि जो शांतनु है उनके सिर्फ भीष्म ही बेटा इस टाइम पर एक इसलिए सत्यवती को एक डर होता है कि कहीं आने वाले टाइम में भीष्म सिंहासन पर ना बैठ जाए थ्रोन पर ना बैठ जाए ये डर होता है सत्यवती को क्योंकि जो एल्डर सन होता है उसे ही मिलता है थ्रोन सो so, भीष्म तो ऑब्वियसली एल्डस्ट होगा सो so इसीलिए सत्यवती को एक डर होता है और वो कंडीशन पर शादी करती है कि जो मेरे बच्चे होंगे वही किंग बनेंगे सो ऑनरिंग हिज फादर्स विशेस भीष्म मेक्स वो नीदर ही नॉर अ सन ऑफ हिज विल चैलेंज द क्लेम टू दी थ्रोन सो देखो भीष्म का नाम भीष्म इस कारण पड़ता है बिकॉज़ वो कसम खाता है कि वो कभी शादी नहीं करेगा और ना ही मतलब उसके बच्चे होंगे तो so, अपने फादर की खुशी के लिए जो भीष्म कसम खा लेता है कि ठीक है ना ही मैं और ना ही अगर मेरे बच्चे होते हैं बेटे होते हैं ना ही वो कभी भी थ्रोन के लिए चैलेंज करेंगे मतलब वो कभी भी थ्रोन के लिए नहीं कहेंगे सिंहासन नहीं छीनेंगे नहीं मांगेंगे सो so, इस शर्त पर कर लेती है सत्यवती शांतनु से शादी सो so, भीष्म के जो वन हाफ ब्रदर होता है वो मर जाता है बैटल में वन हाफ ब्रदर का मतलब समझते हो कि सौतेला टाइप भाई जो होता है जिसमें आपका जो एक पेरेंट होता है वो इंक्लूड होता है सो दैट इज हाफ ब्रदर सो भीष्म का हाफ ब्रदर एक बैटल में मर जाता है एंड अदर बिकम्स ऑल्ड इनफ टू मैरी सो भीष्म ऑन इज बिहाफ ऑफ हिज ब्रदर अबड थ्री सिस्टर एंड फाइट देयर स्यूटर्स सो इसीलिए जो भीष्म है अपने भाइयों के बिहाफ पर जाकर थ्री लड़कियों के स्यूटर्स से, से फाइट करता है बिकॉज भीष्म के जो ये हाफ ब्रदर हैं इन्हें शादी करनी है अब So, भीष्म अपने हाफ ब्रदर्स के बिहाफ पर जाकर उन लड़कियों के स्यूटर से लड़ता है इन्हीं सिस्टर्स में एक होती है अम्बा एंड अम्बा चोजेज हर स्यूटर अम्बा अपने स्यूटर को पसंद कर लेती है और अलाउड टू लीव उसे भेज दिया जाता है कि ठीक है अगर तुम्हें कोई और पसंद है तो तुम जाओ देन ही रिटर्न डिमांड भीष्म हर बट देखो ये जो तीनों सिस्टर्स थी इनमें एक होती है अम्बा उसे अपना स्यूटर पसंद होता है कोई और उसके साथ वो चली जाती है जो स्यूटर होता है उसके बाद उसे छोड़ देता है एंड अम्बा रिटर्न्स और अम्बा आकर भीष्म भी डिमांड करती है कि तुम मुझसे शादी करो बट भीष्म रिफ्यूज कर देता है बिकॉज भीष्म ने तो कसम खाई है कि वो शादी नहीं करेगा कैन अम्बा वॉज शी विल किल हिम वन डे गॉड्स भीष्म पार टू चूज द डे ऑफ हिस्स बिकॉज ऑफ हिज वॉ सो so, देखो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग जो भीष्म होते हैं उन्हें ये पावर होती है कि वो अपनी डेथ का डे खुद चुनेंगे क्योंकि जब वो कसम खाते हैं कि वो कभी भी शादी नहीं करेंगे उस टाइम पर उन्हें पावर मिलती है कि वो अपनी डेथ का डे खुद चुन सकते हैं सो so, जब भीष्म चाहेंगे वो तब मरेंगे सो so, अंबा ये कसम खाती है कि तुम्हें एक दिन मैं ही मारूंगी सो द इंपॉर्टेंस एंड पावर ऑफ वॉज आर एविडेंट थ्रू आउट दी एपेट स्टेटेड वॉज बिकम द दूथ एंड मस्ट बी फुलफिल्ड नो मैटर व्हाट एल्स मे हैपन सो so, देखो इस एपिक में जो कस्में हैं जो वॉ हैं उनकी बड़ी इंपॉर्टेंस है और बड़ी पावर भी है बिकॉज थ्रू आउट दी एपिक हम देखते हैं कि जो कसम आपने एक बार खा ली वो आपको फुलफिल करनी ही है बिकॉज वो बिकम्स एंड मस्ट बी बफिल नो मैटर वॉट मे हैपन कुछ भी हो जाए कसम फुलफिल जरूर होनी है सो हिज फादर एंड हाफ ब्रदर्स डाय विदाउट चिल्ड्रन सो भीष्म के फादर शांतनु और जो इसके हाफ ब्रदर्स होते हैं वो मर जाते हैं और उनके कोई भी डिसेंडेंट नहीं है कोई भी लड़का नहीं है सो भीष में रिफ्यूज इज टू मैरी सिस्टर सो भीष्म तो मना कर देते हैं कि नहीं वो अपने हाफ ब्रदर्स की जो ये विडो है इनसे शादी नहीं कर सकते बिकॉज उन्होंने कसम खा रखी एंड यंग प्रिंसेस मस्ट बी गिवन चिल्ड्रन बट हु कैन फादर दैन सो देखो कोई भी इनके डिसेंडेंट नहीं है कोई भी लड़का नहीं है सो भीष में तो मना कर देते हैं दैट ही नॉट मैरी टू द विडो ऑफ हिज हाफ ब्रदर्स यंग प्रिंसेस को बच्चे होना बहुत जरूरी है बट हु no कोई भी नहीं बचता भीष्म भीष्म के अलावा and मना कर देते हैं सत्यवती टू प्रिंसेस उसके बाद सत्यवती अपने बेटे व्यास को बोलती है कि तुम ये काम करोगे एंड देन प्रिंसेस डिस ऑफ पावर टी फिल्स सो देखो जो व्यास होते हैं प्रिंसेस उन्हें बड़ा डिसलाइक करती है क्योंकि जो व्यास होते हैं वो कसम खाते हैं कि वो गरीबी की जिंदगी जिएंगे सो so इसीलिए उनमें से स्मेल आती है तो प्रिंसेस को व्यास बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं बट uh, व्यास एक्सप्लेन बी दोनों को ही बेटे होंगे एंड फर्स्ट विल बी बॉर्ड ब्लाइंड प्रिंसेस क्लोज हर आईज वेन सींग हिम सेकेंड विल बी पेल स्किन बिकॉज वेन व्यास टचड सो so जो प्रिंसेस होती है उसकी पूरी स्किन पेल पड़ जाती है सो so देखो व्यास एक्सप्लेन करते हैं कि दोनों के बेटे ही होंगे और फर्स्ट जो बच्चा होगा वो ब्लाइंड होगा क्यों क्योंकि जब प्रिंसेस के पास व्यास जाते हैं तो प्रिंसेस अपनी आंखें बंद कर लेती है दैट्स द फर्स्ट चाइल्ड विल बी ब्लाइंड एंड इफ वी टॉक अबाउट द चाइल्ड वो पेल किंड होंगे सो ब्लाइंड कौन होते हैं धृत राष्ट्र एंड इज पांडू सो ब्लाइंड इज ध्रित राष्ट्र पांडु थर्ड सन विदुर बाय हैंडमेडन व्यास का तीसरा बेटा भी होता है विदुर

और वो शूट कर देते हैं गैजल को गैजल इज एनिमल और वो उस टाइम पर मेटिंग एक्ट में होती है so, जिसने अपने आप को डिस्गाइज कर रखा होता है सो so, वो प्रीस्ट पांडु को कर्स करते हैं और वो प्रिस्ट पांडू को क्या कर्स करते हैं कि वेन पांडू मेक लव ऑफ हिज टू वाइफ्स कुंती एंड मदरी ही विल डाई इंस्टेंटली तो वो प्रीस्ट क्या कर्ज करते हैं पांडु को कि जो पांडु है अपनी दोनों वाइफ में से किसी के भी साथ फिजिकल जो एक्ट है वो नहीं करेंगे अगर वो ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो वो उसी टाइम पर इंस्टेंटली मर जाएंगे सो so, पांडु रियलाइज दैट ही केवर के है so, इसीलिए जो पांडु होते हैं वो थ्रोन छोड़ देते हैं सिंहासन त्याग देते हैं एंड गोज टू लेवन माउंटेन्स और माउंटेन्स पर जाकर रहने लग जाते हैं कुंती हर अबाउट मैजिक पावर्स, टेस्ट पुट ऑन टेस्ट इन थ्री सन आर बॉर्ड सो गाइज देखो इसीलिए जो पांडु होते हैं अपना सिंहासन छोड़ देते हैं और चले जाते हैं पहाड़ों पर रहने के लिए बिकॉज ही रियलाइज दैट ही चिल्ड्रेन सो so, उसके बाद जब ये जाते हैं और ये सारा सीन बताते हैं तो कुंती उन्हें बताती है कि उनके पास एक मैजिक पावर है मतलब कुंती के पास एक मैजिक पावर है कि मतलब अगर वो एक सीक्रेट फार्मूला रिसाइट करेंगी तो गॉड वहां पर आ जाएंगे और जो कुंती है गॉड से उन्हें एक बच्चा पैदा हो सकता है सो so, कुंती इस चीज को टेस्ट करती है और तीन बार वो टेस्ट करती है एंड शी हैड थ्री सन सबसे बड़ा युधिष्ट फर्स्ट बॉर्न ट्रुथफुल सन ऑफ गॉड धर्म सो युधिष्टर जो है वो धर्म गॉड का बेटा होता है युधिष्टर इसीलिए थ्रू आउट दी एपिक हमेशा धर्म पर चलता है वो कोई भी ऐसा काम नहीं करता जो धर्म के खिलाफ हो सो so, युधिष्टर सबसे पहला बेटा होता है ट्रुथफुल होता हैंगेस्ट सन ऑफ वायु विंड ठीक है जो भीम है वो सन ऑफ वायु होता है मतलब गॉड ऑफ विंड जो है उनका बेटा होता है एंड भीम इज द स्ट्रांगेस्ट देन अर्जुन एंड इेसिस्टिबल वॉरियर सन ऑफ इंद्र उसके बाद होता है अर्जुन जो कि एक बहुत स्ट्रांग uh, वॉरियर है और वो गॉड इंद्र का बेटा होता है तो ये तीनों बेटे तो होते हैं कुंती के मदरी आल्सो यूज दिस पार एंड गिव बर्थ टू ट्विंस नकुल एंड सहदेव मदरी भी इस पार को यूज करती है और उसके भी दो बेटे होते हैं नकुल और सहदेव इस तरीके से पांडु के हो गए पांच बेटे युधिष्ट भीम अर्जुन नकुल एंड सहदेव सो so, पांडु थैंक्स वाइफ So, so, रो बनते हैं सो ईयर्स लेटर कई सालों बाद एक दिन क्या होता है पांडू सरेंडर्स इज टू मदरी जो पांडु होते हैं वो मदरी की तरफ बहुत ज्यादा ही अट्रैक्ट हो जाते हैं और जो उनको कर्ज मिला हुआ था वो उस कर्ज को कम्प्लीटली भूल जाते हैं बट वो जब मदरी के पास जाते हैं तो मदरी उन्हें रोकने की कोशिश करती है बिकॉज मदरी नोज कि अगर पांडु उनके क्लोज गए तो पांडू की डेथ हो जाएगी सो so जब मदरी पांडू को रोकने की कोशिश करती है जो पांडु होते हैं उनसे उनकी डिजायर और भी ज्यादा बढ़ती जाती है बिकॉज वेन मदरी स्टॉप्स पांडूज डिजायर इन फ्लेम्स जो उनकी डिज़ायर है वो और बढ़ती है एंड वंस दे मेक लव पांडू डाइड So, जैसे ही वो इस फिजिकल एक्ट में आते हैं पांडु मर जाते हैं एंड मदरी ऑल्सो ज्वाइन ऑन दूनर पांडू डाइड बिकॉज ऑफ दर्स ऑफ दट गेजल दैट वाज़ नॉट अ गेजल दैट वाज़ अ ब्राह्मण प्रीस्ट सो so, इसी कारण पांडू की डेथ हो जाती है और जो मदरी होती है वो भी किंग के साथ सती हो जाती है सती के बारे में सुना होगा मतलब वो भी उन्हीं के साथ उस फ्यूनरल पायर में जल जाती हैं बिकॉज मदरी नोज की जो ये सब कुछ हुआ है वो उनकी वजह से हुआ है एंड शी इज वेरी लॉयल टू किंग दैट्स वाई शी जॉइन सी इन हिज फ्यूनरल पायर सो धृतराष्ट्र राष्ट्र बिकम किंग ब्लाइंडनेस मैरिड गांधारी यस देखो जो धृतराष्ट्र राष्ट्र है वो ब्लाइंड बेशभ से होते हैं बट उसके बाद वो बन जाते हैं वहां के किंग और जो धृतराष्ट्र राष्ट्र है वो किससे शादी करते हैं गांधारी से गांधारी भी अपनी आंखों को ब्लाइंड फोल्ड कर लेती है बिकॉज उनके अगर पति अंधे हैं सो so गांधारी डिसाइड्स कि वो भी अब इस दुनिया को नहीं देखेंगी और उसी दिन वो अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेती है और कुछ भी नहीं देखने का डिसाइड करती है इट्स मीन शी ज्वाइंट्स अवर हस्बैंड इन दी वर्ल्ड ऑफ ब्लाइंडनेस सो आफ्टर टू ईयर्स शी अ बर्थ टू अ बॉल ऑफ फ्लैश सो दो साल की कोशिशों के बाद जो गांधारी है शी अ बर्थ टू ऑफ फ्लैश मतलब गांधारी बेसिकली एक बॉल ऑफ फ्लैश को जन्म देती है एंड देन व्यासर टेल्स हर टू स्प्लिट द बॉल्स इनटू टू हंड्रेड पार्ट एंड पुट्स इन अ जार ऑफ घी इन दिस वे शी इज द मदर ऑफ हंड्रेड सन द कॉरबास सो फर्स्ट इज दुर्योधना सिनेस्टर ऑमंस ऑन इज अराइवल जेकॉल्स हॉल स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लॉ फायर रेज थ्रू द सिटी धृत वरीज ओमेंस मतलब समझते हो कुछ बुरा होने वाला होता है तो उससे पहले हमें कुछ ऐसी चीज़ें दिख जाती हैं अच्छा यार ये क्या देख लिया कुछ बुरा ना हो जाए दैट इज़ बैड ऑमेंस सो जब दुर्योधन पैदा होता है सभी ओमेंस ऐसे होते हैं जो कि बहुत बुरे होते हैं जैकॉल्स हॉल तेज़ तेज हवा चलने लग जाती है और पूरी सिटी के आसपास आग भड़क जाती है सो so, जो धृत राष्ट्र होते हैं उन्हें कहीं ना कहीं चिंता होने लग जाती है कि इस बच्चे के अराइवल पर ऐसे सिनिस्टर ऑमेंस हमें देखने के लिए क्यों मल रहे हैं देन विदुर टेल्स दैट हिज फर्स्ट सन ब्रिंग्स हेट ब्रिंग डिस्ट्रक्शन ऑफ पांडु एंड ध्र व्यास का ही बेटा होता है जो की हैंडमेडन से पैदा होता है सो so, विदुर बताता है धृत राष्ट्र को कि जो ये तुम्हारा फर्स्ट बेटा है ये इस वर्ल्ड पर हेट और डिस्ट्रक्शन लेकर आया नफरत और तबाही मचाएगा विल वन डे डिस्ट्रॉय योर रेस और यही जो दुर्योधन है ये एक दिन तुम्हारी पूरी रेस को खत्म कर देगा एंड विदुर अर्ज किंग टू तो गेट रिड ऑफ द चाइल्ड बट किंग इग्नोर और जो विदुर होते हैं वो सजेस्ट करते हैं धृत को कि इस बच्चे को मार दो बट जो धृत होते हैं इसको इग्नोर कर देते हैं एंड धृत राष्ट्र वीकर रूलर देखो जो धृत राष्ट्र है ही इज ब्लाइंड सो वो एक वीक रूलर हैं एंड बाद में जब दुर्योधन बड़ा हो जाता है सो so धृत राष्ट्र को कंप्लीटली दुर्योधन ही लेट करता है कि ये होना है ऐसे करना है सो so कंप्लीटली उसको कौन करता है दुर्योधन सो भीष्म नाउ सो अब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो दोनों ही जो एक कजन के सेट है इनको अच्छी शिक्षा दिलवाएं सो so दोनों को रेस करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हैं इन दोनों कजन के सेट को पांडव so है आपस में हमेशा लड़ते मरते रहते हैं और एक दूसरे को बस खत्म कर देना चाहते हैं सो वन डे द्रोन द्रोण जो है वो एक टीचर है एंड मास्टर ऑफ आर्म्स अपीय एंड ऑफर्स है आते हैं द्रोण द्रोण एक टीचर होते हैं गुरु द्रोणाचार्य जिन्हें हम कहते हैं सो ही इज अ परफेक्ट टीचर ऑफ आर्चरी सो वो इन बच्चों को ट्रेन करने का डिसाइड करते हैं अपनी सर्विस ऑफर करते हैं इनके लिए सो so, द्रोण का एक सीक्रेट मिशन है अवेंज एंड इंसल्ट मेड बाय अ फ्रेंड सो गाइस देखो द्रोण का सीक्रेट मिशन क्या है द्रोण का एक चाइल्डहुड कंपेनियन होता है द्रुपद अब द्रुपद जो है वो बन गया है किंग और जो द्रोण है वो ऐसे ही रह गया है और जो द्रुपद है वो द्रोण को बोलता है कि ओनली इक्वल कैन बी फ्रेंड्स अवेंज so, सो so, वो पांडवा से एक पेमेंट मांगता है, है। ने इंसल्ट की, है की so वो इस इंसल्ट का बदला लेना चाहता था सो द्रुपद किंगडम द्रोन गिव्स हाफ किंगडम टू सेइंग नाउ वी आर इक्वल्स सो so, द्रोन भी कहीं ना कहीं गलत नहीं है द्रुपद ने जब इस तरीके की चीज बोली ओनली इक्वल कैन बी फ्रेंड्स सो द्रोन को ये बात बड़ी छुप गई So, जब पांडवाज उनका पूरा किंगडम कंक्वयर कर लेते हैं उनसे छीन लेते हैं और द्रोण को दे देते दे हैं दे दे। द्रोण हाफ किंगडम खुद रखते हैं और हाफ किंगडम दे देते हैं द्रुपद को उल्टा वापस दे देते हैं द्रुपद को और क्या कहते हैं कि नाउ वी आर इक्वल्स कि अब हम बराबर हो गए हैं सो फॉर रिवेंज द्रुपद है वट इज सी जादू टोना ठीक है बदला लेने के लिए जो द्रुपद है जादू टोने से बच्चे होते हैं उनके आउट ऑफ फ्लेम्स ठीक है फ्लेम्स से उनके बच्चे पैदा होते हैं सन दृष्ट दुमन फेटेड सबसे पहले तो इस जादू टोने से मतलब फ्लेम से कौन सा बच्चा आता है दृष्ट दृष्ट इज द सन ऑफ द्रुपद एंड दृष्ट दुमन इसलिए जन्म लेता है दैट ही फेटेड टू किल द्रोण उसको द्रोण को मारना होता है एंड देन डॉटर द्रौपदी विल ब्रिंग डिस्ट्रक्शन उसके बाद इसकी एक डॉटर होती है द्रुपद की डॉटर होती है द्रौपदी और जब ये पैदा होती है तो एक औरल होती है दैट शी विल ब्रिंग डिस्ट्रक्शन टू दी कॉरवास एंड देन थर्ड सिकंदी अम्बा रिबॉन्ड और अम्बा क्यों पैदा होती है टू किल भीष्म सो लेटर इन वॉर द्रोन एंड भीष्म विल फाइट ऑन द साइड ऑफ कौरवास बिकॉज ऑफ देयर मोर्टल एनिमीज जो द्रौपदी है उनके ही भाई है दृष्ट द्युमन और सिकंदी सो so, जब ये महाभारत का वॉर होता है जो द्रोण होता है और जो भीष्म होता है ये दोनों ही मानते हैं कि जो पांडव है वो सही है बट फिर भी ड्यूरिंग द महाभारता वॉर ये दोनों लड़ते हैं कौरवाज की साइड से जब तुम मानते हो कि पांडव सही है तो तुम कौरवों की साइड से क्यों लड़ रहे हो इसका रीजन ये होता है क्योंकि जो दृष्ट द्युमन और सिखंदी है वो पांडवों की साइड से फाइट कर रहे होते हैं एंड दे आर दी एनिमीज ऑफ द्रोण एंड सो द्रोण रिकोगनाइज अर्जुन सुपीरियोरिटी मास्टर ऑफ आर्म्स प्रोवाइड्स स्पेशल ट्रेनिंग सो जो द्रोण होते हैं वो अर्जुन की सुपेरियोरिटी को पहचान लेते हैं कि अर्जुन सच में बहुत बढ़िया तीरंदाज बन सकता है वो बहुत अच्छी आर्चरी करता है सो दैट्स वाई द्रोन प्रोवाइड्स इम अ स्पेशल ट्रेनिंग जो मैंने आपको ये पॉइंट बताया है ये एक एनालिसिस की तरह ले सकते हो कि बाद में जाकर ये जब फाइट करते हैं सो so, द्रोन रिवॉर्ड्स इम अ सुप्रीम वीपन ब्रह्म सो so, जो द्रोण है वो अर्जुन को स्पेशल uh, ट्रेनिंग देते हैं और वो अर्जुन को एक स्पेशल सुप्रीम देते हैं एंड दिस इज टू बी अगेंस्ट मतलब जो ये है इसको सिर्फ और सिर्फ सिलेश के अगेंस्ट ही यूज किया जा सकता है अदरवाइज इट विल डिस्ट्रॉय दी वर्ल्ड अदरवाइज ये पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर देगा सो so, द्रोन स्टेजेज अ टूर्नामेंट पांडवा स्किल्स अ स्ट्रेंजर अपियड नेम कर्न कुंतीस फर्स्ट सन बाय सूर्य ठीक है जो द्रोण होते हैं अपने इन सभी स्टूडेंट्स के तीरंदाजी दिखाने के लिए एक टूर्नामेंट अरेंज करते हैं पांडवास की स्किल दिखाने के लिए और वहाँ पर एक स्ट्रेंजर आ जाता है और वो स्ट्रेंजर कौन होता है कर्ण कर्ण कुंती का फर्स्ट बेटा होता है सूर्यदेव का बेटा होता है मतलब द्रोण अपने जो स्टूडेंट्स थे कौरव और पांडव इनकी स्किल्स दिखाने के लिए वहां पर एक टूर्नामेंट अरेंज करते हैं वहां पर कर्ण आ जाता है एंड देन जो पांडव होते हैं so, जो पांडव होते हैं वो कर्ण का मजाक उड़ाते हैं कि जो कर्ण है वो लो सोशल स्टेटस से बिलोंग करता है कि हम इसके साथ फाइट नहीं करेंगे ये तो लो सोशल स्टेटस से है सो so, दुर्योधन यहाँ पर उठाता है फायदा क्योंकि पांडव तो मना कर देते कि कर्ण का हमसे मैच नहीं है ये निचली जात से है सो so, दुर्योधन यहाँ पर फायदा उठाता है एंड दुरयोधन मेक एन अलाय विद हिम दुर्योधन उसके साथ हाथ मिला लेता है स्मॉल किंगडम टू हिम कर्ण स्वयर्स अटर्नल फ्रेंडशिप जो कर्ण है वो इस चीज से बड़ा खुश होता है और वो कसम खाता है कि वो जो फ्रेंडशिप है कॉरवास के साथ एटर्निटी तक निभाएगा मतलब टिल दी एंड वो इस चीज को फ्रेंडशिप को कारवास के साथ निभाएगा सो so, दुर्योधन मेक्स अ प्लॉट बर्न पांडवास हाउस सो जो दुर्योधन है वो एक प्लॉट क्रिएट करता है मतलब षड्यंत्र कॉन्स्परेसी करता है और पांडवास के घर को जला देता है

और ये सभी पांडव फॉरेस्ट में एक रात को सो रहे होते हैं और भीम उस रात को रक्षा कर रहा होता है मतलब गार्डिंग कर रहा होता है कि वहां पर कोई आ ना जाए रक्षा कर रहा होता है इन सबकी गार्ड करता है एक तरीके से इन सबको सो so, जब ये गार्ड करता है तो वहां पर एक राक्षस आ जाती है हिडिम्बी और जो ये हिडिम्बी होती है इसे भीम से हो जाता है प्यार सो so, जो भीम है वो इसके भाई से फाइट करता है और उसे मार भी देता है सो so, हिडिम्बी और भीम को हो गया एक दूसरे से प्यार एंड दे हैव अ पावरफुल डीमन चाइल्ड जिसका नाम क्या रखते हैं ये घटोत्कच और जो घटोत्कच होता है वो कसम खाता है कि जब भी उसके फादर को उसकी जरूरत होगी वो अपनी फादर की बचाव के लिए फादर की एड के लिए आ जाएगा सो so, पांडवाज अटेंड द्रौपदीज स्वयंबर अर्जुन विंस आर्चरी कंटेस्ट शी चूजेज हिम so, सो जो पांडव होते हैं अब जाते हैं द्रुपद किंगडम में और वो द्रौपदी के स्वयंवर में शामिल होते हैं और पांडवों में से जो अर्जुन होता है वो आर्चरी कॉन्टेस्ट बड़े इजीली जीत जाता है बिकॉज आखिर माहिर है वो इस चीज में सो so, आर्चरी में जो अर्जुन है वो इजीली जीत जाता है और जो द्रौपदी होती है वो शादी के लिए किसे पसंद करती है अर्जुन को सो so, अर्जुन आता है घर एंड अनाउंसेज हर मदर दैट ही हैज वन दी प्राइज अर्जुन घर आता है बिकॉज उसने एक मैच के थ्रू ही तो जीता है भाई द्रौपदी को सो so, अर्जुन घर आकर अपनी मदर को बताता है कि उसने एक प्राइज जीता है कुंती उसकी पूरी बात सुने ही बिना बिना देखे ही क्या अनाउंस कर देती है टू शेयर ब्रदर्स कुंती देखती नहीं है क्या प्राइज है सुनती नहीं है क्या प्राइस है सीधे सीधे अनाउंस कर देती है टू शेयर अमंग फाइव ब्रदर्स पांचों भाई आपस में बांट लो सो so, एक बार जो बोल दिया दैट कांट बी अंडन जो बोल दिया वो तो करना पड़ेगा धर्म धर्म पर चलना है एंड ऑल मैरी द्रौपदी और इस तरीके से जो ये सब होते हैं पांचों पांडवों की बीवी बनती है द्रौपदी ब्रदर्स अग्री टू रिस्पेक्ट प्राइवेसी सो जो पांचों भाई होते हैं वो एक दूसरे की प्राइवेसी को रिस्पेक्ट करने के लिए अग्री करते हैं कि अगर एक द्रौपदी के साथ चैम्बर में है तो दूसरा ब्रदर वहाँ नहीं जाएगा और इसके लिए ये लोग बाहर चप्पल में निकालते दट इज नॉट मैं इंग बुक आई एम जस्ट टेलिंग इट की मतलब जो ये ब्रदर्स होते हैं ये प्राइवेसी को किस तरीके से रिस्पेक्ट करते हैं जब भी कोई भाई अंदर चैंबर में द्रौपदी के साथ होता था तो वो बाहर अपनी चप्पल निकाल कर जाता था जो फुटवेयर्स होते थे उन्हें निकाल कर जाता था तो एक बार क्या होता है वन डे अर्जुन एंटर्स फाइंड द्रौपदी विद युधिष्टर इन गेट टुगेदर सो एक दिन अर्जुन चला जाता है अंदर चैंबर में और उस टाइम पर द्रौपदी होते है युधिष्टर के साथ सो so, युधिष्टर अपने जो फुटवेयर है वो बाहर निकाल कर आता है बट आई गेस डॉग होता है या कोई एनिमल होता है जो उन फुटवेयर्स को उठा ले जाता है आई एम नॉट श्योर कि वो होता क्या है बट एक एनिमल होता है आई गेस सो वो उन फुटवेयर्स को उठाकर ले जाता है और अर्जुन को नहीं पता होता कि अंदर कोई है द्रौपदी के साथ बिकॉज बाहर किसी के फुटवेयर ही नहीं होते हैं एंड देट्स वाई अर्जुन एंटर्स और वो क्या पाता है अंदर द्रौपदी और युधिष्ठर को एक साथ पाता है तो so युधिष्ठर तो माफ कर देता है अर्जुन को बट अर्जुन गोज इन टू एक्साइल फॉर अ ईयर बिकॉज ये डिसाइड करते होंगे कि अगर कोई आ जाएगा अंदर तो उसे एक साल के लिए एग्जाइल में जाना पड़ेगा सो so, इसीलिए युधिष्ट तो माफ कर देता है बट अर्जुन जो कसम है उसे पूरा करता है और वो एक्साइल में चला जाता है एक साल के लिए और वहां पर जाकर ही मैरिज थ्री अदर वाइफ वन कृष्णाज ब्रदर मोस्टली फॉर पॉलिटिकल अलायंस सो अर्जुन वहां पर जाकर शादी कर लेता है और उसकी थ्री और वाइफ होती है एंड वन इज कृष्णाज सिस्टर मोस्टली फॉर पॉलिटिकल अलायसेज जो कृष्णा के सिस्टर से शादी करता है अर्जुन दैट इज फॉर पॉलिटिकल अलायसेज सो टेंशन बिटवीन कजन सो यहां पर हस्तीनापुर में जो ये कजन थे इनके बीच में थोड़ी टेंशन बढ़ जाती है पांडवाज और कौरवास के बीच में सो कृष्ण अपियर्स सेट टू बी इनकारनेशन ऑफ गॉड विष्णु सो उसके बाद अपियर होते हैं कृष्ण और कृष्ण जो है हम कह सकते हैं कि गॉड विष्णु के ही अवतार हैं और कृष्णाज एडवाइस पांडवास प्रेजेंट टू द ब्लाइंड किंग So, कृष्ण पांडवों को एडवाइस करते हैं कि तुम जाओ एक बार धृतराष्ट्र के पास और उनसे बात करो सो so, पांडवास कृष्णा के एडवाइस पर चले जाते हैं धृतराष्ट्र के पास एंड टू मेक पीस किंग ऑफर्स हाफ द किंगडम बट इन रेन नथिंग बट जंगल एंड डेजर्ट तो जब पांडव जाते हैं धृतराष्ट्र के पास तो धृतराष्ट्र सोचता है शांति बनाए रखने के लिए इन्हें हाफ किंगडम दे देता हूँ

गॉड ऑफ फायर और वो चाहते हैं पास का जो फॉरेस्ट है उसे कंज्यूम करना और उस फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट कौन कर रहा है इंद्राज रे बाद जो अग्निदेव हैं वो कृष्ण और अर्जुन दोनों को ही रिवार्ड देते हैं एंड देन इवन इंद्र के नॉट डिफीट अर्जुन एज कृष्ण इज विद हिम सो जो इंद्र होते हैं वो भी नहीं हरा पाते हैं अर्जुन को क्योंकि अर्जुन के साथ कौन होते हैं कृष्ण होते हैं दिस इज बैकग्राउंड ठीक है ज्यादा टेंशन में बता जाना माया अपियस एंड माया इज नॉट गॉड ऑफ इल्यूजन ठीक है माया गॉड ऑफ इल्यूजन नहीं है ये एक डीमन है एंड आउट ऑफ ग्रेटिट्यूड ग्रेट हॉल ऑफ इंद्रप्रस्थ ठीक है ये बाद में इंद्रप्रस्थ का एक ग्रेट हॉल बनाती है कौन माया ठीक है माया एक डीमन होता है जो वहां पर एक ग्रेट हॉल बनाता है एंड दैट इज नोन एज द ग्रेट हॉल ऑफ इंद्रप्रस्थ तो इस तरीके से जो पांडवा है उन्हें अपना एक किंगडम मिल जाता है एंड दे लिव दुधिष्टर टर्स पुअरलैंड इन टू वेल्दी किंगडम डिक्लेयर हिमसेल्फ किंग सो जो युधिस्टर है वहां की जो पुअर लैंड थी उसको एक वेल्दी किंगडम में बदल देते हैं और अपने आपको उस किंगडम का किंग अनाउंस करते हैं किंग्स ऑफ किंग क्यों कहते हैं वो अपने आपको क्योंकि देखो दे आर फाइव ब्रदर्स ठीक है भीम अर्जुन नकुलेंदेव आर ऑल्सो किंग्स बट युधिस्टर इज द एल्डर इट्स मीन एल्डर दैट्स वाई ही

अंदर ग्लास फ्लोर होता है और दुर्योधन उसे समझ लेता है पूल एक बार तो ये हो गया अब वो सोचता है अच्छा आगे भी ऐसे होगा ग्लास फ्लोर तो वो पूल होगा लेकिन आगे जब वो जाता है तो वहां पर होता है पूल और और वो उसे ग्लास फ्लोर समझ लेता है है उसके अंदर गिर जाता ही फॉल्स ठीक है तो इस चीज से वो बड़ा चिढ़ जाता है ह्यूमिलेट हो जाता है कि एक तरीके से उसकी बेजती हो गई है एंड देन ही रिटर्न होम डिवाइजिंग द डिस्ट्रक्शन उसके बाद वो घर आता है शकुनी मामा को सब कुछ बताता है और उसके बाद ये पूरा डिस्ट्रक्शन की प्लानिंग करते हैं सो वेरी सुन विल डिस्कस अबाउट दी डाइसिंग एंड द सीक्वल टू डाइसिंग जो कि इसके बाद ही स्टार्ट होता है देखो अब ये सीन हो गया है सो so शकुनी की एडवाइस पर दुर्योधन इनवाइट करेगा पांडवास को हस्तीनापुर में और उन्हें गेम ऑफ डाइस खेलने के लिए बोलेगा सो so, इस तरीके से डाइसिंग और सीक्वल टू डाइसिंग होता है विच विल डिस्कस वेरी सून सो आई होप आपको ये महाभारत का कैरेक्टर्स और इंट्रोडक्शन क्लियर हो गया होगा और इसके बाद भी इफ यू गाइस आर हैविंग एनी डाउट एंड आप चाहते हैं कि हम किसी और नॉवल स्टोरी के बारे में डिस्कस करें देन डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स ऑलसो यू कैन कॉन्टेक्ट मै इंस्टाग्राम फेसबुक पेज एंड व्हाट्सए आई विल गिव द लिंक ऑफ ऑल द थ्री इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स सो गाइज डू फॉलो मिन इंस्टाग्राम एंड ऑल्स माई फेसबुक पे एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें कॉमेंट करके बताएं कैसे लगी अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कर जरूर दबा दें ताकि जैसे ही मैं डाइसिंग एंड सीक्वल टू तो डाइसिंग या और भी नई वीडियोस अपलोड करूं यू विल गेट द नोटिफिकेशन फर्स्ट सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू